अस्सलाम वालेकुम। देखें, इमरान खान ने इतने महीने जेल में, वो उन्होंने अपने सारे केसेस, उन्होंने कहा कि मैं इनका सामना करूंगा और इनसे सुर्ख रू होकर निकलूंगा। अब जब टाइम आ गया है और केसेस का बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो एक तमाशा उन्होंने इद्दत केस में कर दिया। वो जो क्या नाम है उसका, खाबर मानिका ने वो प्लान करके आया था, उसका मकसद ही यही था कि यहाँ डिसरप्शन कर दो, क्योंकि उस दिन फैसला सुनाया जाना था। अब रह गया साइफर केस। साइफर जो है वो मंडे को अब और घसीट नहीं सकते, उसको ख़त्म होना चाहिए। दो केसेस हो गए, फिर आप ये बनाना चाह रहे हैं कोई 1971 का केस। देखें, अब टाइम, हम आपका अगर ख्याल है कि जब तक इमरान के खान के आगे केसेस चल रहे थे और उन्होंने उनका सामना किया है ईमानदारी से, उन्होंने कहा मैं इनसे सुरखरू होकर निकलूंगा, तो अब ये क्या टैक्टिक्स इनको इस्तेमाल करनी पड़ी हैं ताकि इमरान खान को जेल में रखा जाए या उसकी तस्वीर ना निकले। लेकिन अब हद हो गई है, हमारी भी एक हद हो गई है। जब तक हमने बड़े लिहाज से और सब्र से इमरान खान के साथ, हम भी साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं जजेस के ऊपर, हमने आज तक किसी के ऊपर कोई बात इसलिए नहीं की क्योंकि हमें पता है कि जजेस के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसाफ दे सकें। लेकिन अब हद हो गई है, अगर इनका ख्याल है कि हम घर में बैठे रहेंगे, हम इसी गर्मी में आके, अब जब नाइंसाफी का वक्त शुरू हो रहा है, अब हम आके अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। हमें कोई भी ना बैठा हो, हम बैठ जाएंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर हमें भी जेल में डालना हो और हमारे साथ जो लोग बैठे होंगे उनको भी जेल में डालना हो, हम सब तैयार हैं और जेल भर दें। पहले 7,500-8,000 लोग हैं, इसके अंदर हम सारों को डाल दें, क्योंकि हमें भी जिस वक्त जो लॉयर्स हैं, आज केस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो लॉयर था उस्मान गिल, वो कोर्ट के अंदर था, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया है। और इस किस्म की जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, अब चाहे हमारे लॉयर्स के साथ हो रही हों, चाहे इमरान खान के साथ हो रही हों, अब बर्दाश्त अगर ख़त्म होती जा रही है। 9th में रह गया इनका। इमरान खान ने अभी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि 9th में, जो 9 मई को हुआ था, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाई जाए। फैज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हम उनसे फिर से उनकी तरफ से अपील करते हैं कि आप 9th मई की जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि तहकीकात हो सकें कि इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने, उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे उस दिन अरेस्ट किया और जिन्होंने उस दिन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चोरी की है, आप उनको बुलाएं और पूछें कि ये कहाँ सीसीटीवी फुटेज किधर है, उसमें सारों का पता चल जाएगा। और जब वो पता चल जाएगा, उनको सजा, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन हम एज अ फैमिली की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमारी अब उस लेवल पे, अब उस वहाँ पे बात पहुँच गई है कि ये ना सोचें कि हम आराम से यहाँ बैठ के ये तमाशा देखते रहेंगे। हाँ, लेकिन चक्की वाली जो मेरी बहन बता रही है कि इमरान खान ने ये भी कहा कि ये कौन बात कर रहा है कि मेरे पास एयर कंडीशन कमरा है और इतना बड़ा कमरा है। चक्की जो डेथ सेल किस्म का कमरा है, उसके अंदर उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनको अपने लॉयर से नहीं मिलने दिया जाता, उनको पार्टी के जो लोग हैं उनको हफ्ते में एक दफ़ा 20 मिनट के लिए मिलने दिया जाता है। आज भी जब हम खड़े थे तो हमें 10 मिनट के लिए उन्होंने खड़े नहीं होने दिया गया। जो पुलिस वाला था उसको ऊपर से फ़ोन आ रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले रहे हैं। हमारा उनका ब्लड टेस्ट हो चुका है इमरान खान का, वो नहीं दे रहे हैं, वो पिम्स वाले वो भी नहीं दे रहे कि पता चले कि ये किस किस्म की ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हैं इनके। ये इतनी आफत आई हुई है, हम जजेस से भी अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी इज्जत बचा लें, पाकिस्तान को बचा लें, लेकिन अब ये बस करना चाहिए। कितनी देर तक ये चलाएंगे? इमरान खान ने नहीं कोई डील करनी, हम आपको बता देते हैं फिर से, इमरान खान ने डील नहीं करनी। अगला लायमल आपका क्या है? हमें उसके ब्लड टेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें फिक्र है कि आप उनको जहर ना दे दें, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम चुप करके नहीं आप बैठने लगे, अब हम खुद निकलेंगे और कोई हमारे साथ निकलना चाहता है वो ज़रूर निकलेगा।
लेकिन ये आप हदें क्रॉस कर रहे हैं। जज साहिबान, आप इस पर फैसला दें। आप सबको पता है कि क्या फैसला है। आप सबको पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी बेगुनाह हैं। अब आप फैसला दें, ना अपने साथ ये ज्यादती करें और ना ही जो उनको कैद में है, कई सौ लोग हैं, ना उन पर ज्यादती करें। और आइंदा के लिए अगर केसेस का अगले हफ्ते तक नहीं फैसला होता, हमें ये समझ आ जाएगी कि अब जजेस के ऊपर ज्यादती हो रही है। हम जजेस के साथ भी खड़े हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। आप फैसला दें। मेहरबानी।